Hi friend, this is Tawqeer Alam here. Today we are going to translate our story. And this is very interesting story, friends. आज हम एक हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी वाले स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखें कि कैसे आप हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यह कहानी एक खूबसूरत लड़की की है जो अपने शौहर को गुलाम बनाना चाहती है। तो चलिए काम की शुरुआत करते हैं। यह एक खूबसूरत लड़की की कहानी है। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि मैंने दो ऐसा ट्रिक बनाया हुआ है जिसके जरिए अगर आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े आसानी से हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे या इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। और इस ट्रिक पर मैंने अभी तक 240 प्लस वीडियोस बनाए हैं। मैंने हर टॉपिक पर वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो टेंस हो, वॉइस या नरेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको ये वीडियोस देखना चाहिए ताकि सबसे पहले आप उस ट्रिक के बारे में जानें। उसके बाद अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप ये वीडियोस देख चुके हैं तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि यह स्टोरी आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए फिर ट्रांसलेशन का काम शुरू करते हैं। यह एक खूबसूरत लड़की की कहानी है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड्स? जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे, जो वर्ड लास्ट में है उसका अंग्रेजी आप दूसरे नंबर पर लिखेंगे, और जो वर्ड्स बीच में है उसकी अंग्रेजी आप तीसरे नंबर पर लिखेंगे। ये है मेरा पहला ट्रिक। उम्मीद करता हूं आपको ये बात पता है। तो चलिए फिर करके देखते हैं। सबसे पहले लिखा है यह और इसकी अंग्रेजी होगी दिश। लास्ट में लिखा है दिश के साथ है के लिए इज का यूज किया जाता है। मैं ये बात पार्ट वन में आपको सिखाया कि इज आरम का क्या यूज है और हमें इज आरम का कब यूज करना चाहिए। अब बीच में लिखा हुआ है एक खूबसूरत लड़की की कहानी। यहाँ लिखा है एक, आप लिखिए अ, खूबसूरत ब्यूटीफुल, की के लिए हम लिखेंगे अपोस्ट्रोफी एस, और कहानी को कहते हैं स्टोरी। यह एक खूबसूरत लड़की की कहानी है। दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल्स स्टोरी। और ये कंप्लीट हुआ। आइए फ्रेंड्स दूसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। वह परेशान थी। सबसे पहले लिखा है वह, उसकी अंग्रेजी होगी शी। लास्ट में लिखा है थी, उसके लिए हम लिखेंगे वॉज, और परेशान को कहते हैं ट्रबल्ड। सी वॉज ट्रबल्ड क्योंकि, बिकॉज, वह चाहती थी। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको पार्ट 7 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल से बताया। उम्मीद करता हूं आप वो वीडियो देख चुके हैं और आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छा से आता है। जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे और हम पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। यह है मेरा दूसरा ट्रिक। वह के लिए हम लिखेंगे शी और चाहती थी वॉन्टेड। कई बार कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि यहां पर थी लिखा हुआ है तो क्या यहां वाज वर्ब यूज हो सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब का यूज नहीं होता या सेकेंड फॉर्म के साथ वाज वर्ब का यूज नहीं होता। कई बार कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है इसलिए यहां पर हेड होना चाहिए। मैं कहूंगा जी नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का नहीं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं जहां दो काम दिखाया जाता है और बताया जाता है कि एक काम दूसरे काम के खत्म होने के बाद हुआ, जबकि यहां पर आपको सिर्फ एक काम दिखाया गया, यानी यहां पर सिर्फ एक एक्शन आया है। और अगर ये परफेक्ट टेंस रहता तो इसमें दो काम दिखाए जाते, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। कई बार इस तरह के सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं, मैं पहले ही खा चुका था, मैं पहले ही टीवी देख चुका था। तो इस तरह के सेंटेंसेस से पता चलता है कि कोई दो काम था, एक काम खत्म हुआ फिर दूसरा काम स्टार्ट हुआ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सहारा लेते हैं। इस बात को बेहतर तरीके से जानने के लिए आप इसे पढ़ें।
मैंने खाया या मैंने खाया था दोनों का अनुवाद आई एट ही होगा। कुछ लोग मैंने खाया था का अनुवाद आई हैड ईटन बना देते हैं जो गलत है। वे गलती से इसकी क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में होना समझ लेते हैं। मैंने खाया था आई एट, सीता गई थी सीता वेंट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ चुके हैं कि अगर लिखा हो मैंने देखा या मैं देखा था दोनों का ट्रांसलेशन होगा आई सा। आप ये नहीं कह सकते आई हैड सीन, मैंने बोला या मैंने बोला था आई स्पोक। आप गलती से ये ना कहें आई हैड स्पोकन, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, परफेक्ट टेंस नहीं है। उसका पति उसकी हर बात माने। हो सकता है फ्रेंड्स आप सोचें कि यहाँ लिखा था उसका पति, तो मैंने इन दोनों को जोड़ कर क्यों लिखा, इसको अलग अलग क्यों नहीं, यानी सबसे पहले मुझे उसका का अंग्रेजी लिखना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि वर्ड उसका एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। उसका, उसकी, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने बाद आने वाले नाउन के साथ कोई रिलेशन दिखलाते हैं या रिश्ता दिखलाते हैं। तो ये सभी वर्ड्स जैसे मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, उसका, उसकी, उन लोगों का, उन लोगों की, अपने बाद आने वाले नाउन के साथ ही रहते हैं, यानी उन दोनों की अंग्रेजी अलग अलग नहीं की जाती है। मानना के लिए हम ओबे और फॉलो का भी यूज करते हैं। फॉलो का भी मतलब होता है बात मानना, कहना मानना या उसके अकॉर्डिंग चलना। हम लिखेंगे शुड। हो सकता है फ्रेंड्स आप सोचें यहाँ शुड क्यों, शुड का हिंदी अर्थ चाहिए होता है और यहाँ पर चाहिए नहीं लिखा है, तो मैंने शुड क्यों लिखा, कि ये बात सही है शुड का मीनिंग चाहिए होता है। बट कई बार इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं आए, जाएं, खाएं, माने, बोलें, देखें, हम शुड का यूज करते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस से सजेशन का पता चलता है, यानी सुझाव का पता चलता है। जैसे मैं चाहता हूं कि आप नहा लें, तो आप नहा लें मतलब आपको नहा लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप खाना पका लें, खाना पका लें मतलब आपको खाना पका लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अब आप जाएं, या मैं चाहता हूं कि अब आप पढ़ें, तो अब आप जाएं यानी आपको जाना चाहिए, आप पढ़ें यानी आपको पढ़ना चाहिए। तो कई बार इस तरह के सेंटेंसेस से सजेशन का पता चलता है, इसलिए हम शुड का यूज करते हैं। यहाँ लिखा है हर बात और यहाँ लिखा है उसकी, तो अगर हम पीछे से आगे की ओर आए तो सबसे पहले हमें हर बात की अंग्रेजी लिखनी चाहिए, लेकिन हम लिखेंगे उसकी का अंग्रेजी हर, और उसके बाद हम हर बात की अंग्रेजी लिखेंगे एवरीथिंग। अब सवाल ये है कि जब मैं पीछे से आगे की ओर आया, सबसे पहले आया हर बात, उसके बाद लिखा हुआ था उसकी, तो मैंने ऐसा क्यों किया, सबसे पहले मैंने उसकी का अंग्रेजी लिखा, उसके बाद मैंने हर बात की अंग्रेजी लिखा। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को देखिए, कैसे जानें सब्जेक्ट क्या होता है या सब्जेक्ट कैसे पहचाने, और ऑब्जेक्ट क्या होता है या ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, तो आपको किसी भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में बहुत हेल्प मिलेगा। मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि कैसे जाने सब्जेक्ट कहाँ है और कैसे जाने की ऑब्जेक्ट कहाँ है। वह मुझे पानी दिया। चलिए फ्रेंड्स देखें कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स इसके पहले कि मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं, पहले आप ये समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। उस वर्ड को हम सब्जेक्ट कहते हैं जो आपके सेंटेंसेस में दिए गए एक्शन को करता है। फ्रेंड्स जब आप कौन और किसने बोलकर अपना हिंदी वर्ब बोलेंगे तो सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? वह मुझे पानी दिया। अब हमको ढूंढना है सब्जेक्ट, हम कौन और किसने बोलकर अपने वर्ब को बोलेंगे, और आंसर में जो वर्ड आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। कौन दिया? वह दिया। या किसने दिया? तो हो सकता है लिखा हो उसने दिया। तो जब आप कौन या किसने बोलकर अपना हिंदी वर्ड बोलेंगे तो जवाब में आया वर्ड सब्जेक्ट होगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके सेंटेंसेस में कितने ऑब्जेक्ट हैं या कौन कौन ऑब्जेक्ट हैं,
तो आप ऐसे ढूंढिए, क्या किसे या किसको। आप ये बोलकर जब आप अपना हिंदी वर्ब बोलेंगे तो जवाब में आया वर्ड ऑब्जेक्ट होगा। कैसे, चलिए करके देखते हैं। हमारा हिंदी सेंटेंस है, वह मुझे पानी दिया। क्या दिया, आंसर मिला तो पानी। करता हूँ फ्रेंड्स, तो यह बात आपको ऑब्जेक्ट हुआ, आया होगा। किसे दिया, मुझे दिया, या किसको दिया, मुझे दिया। तो आपको यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट मिला, मुझे। तो जब आप क्या, किसे या किसको बोलकर अपने हिंदी वर्ब को बोलेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सभी बाहर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो नॉन लिविंग हो, यानी निर्जीव हो, और इनडायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो सजीव हो, यानी लिविंग हो, मतलब जिसके अंदर जान हो। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक के अंदर जान है और दूसरा बेजान है। तो जो ऑब्जेक्ट बेजान होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जान होती है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट है, पहला लिविंग ऑब्जेक्ट यानी वह ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जान हो, और दूसरा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी वह ऑब्जेक्ट जो बेजान हो, तो आमतौर पर जो हिंदी सेंटेंसेस होता है उसमें जब आप पीछे से आगे की ओर आएंगे तो सबसे पहले आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मिलेगा और लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में होता है। तो जब आप हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले आपको लिविंग ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए और दूसरे नंबर पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। या अगर आप इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं और आपके सामने दो ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले आप लिविंग ऑब्जेक्ट को लिखिए और बाद में नॉन लिविंग को लिखिए, ऐसा करना अच्छा माना जाता है। यहाँ लिखा है इसलिए, आप लिखेंगे सो। यहाँ लिखा है एक दिन, आप लिखेंगे वन डे। आइए फ्रेंड्स, अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। वह एक साधु के पास गई। सबसे पहले लिखा है वह, आप लिखेंगे शी। पीछे आइए, गई, हम लिखेंगे वेंट। बात गुजर चुकी है और गुजरी हुई बात को सेकेंड फॉर्म की मदद से बोलते हैं, यानी इस तरह के बातों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहा जाता है। टीवी हम लिखेंगे टू। और एक साधु को अंग्रेजी में कहते हैं अ मॉन्क। वह एक साधु के पास गई, शी वेंट टू अ मॉन्क। आइए फ्रेंड्स, अब आगे ट्रांसलेशन करते हैं। वह अपनी दिक्कत बताई, वह शी। पीछे से आगे की ओर आइए, बताई, टोल्ड। अपनी दिक्कत, हर प्रॉब्लम। वह अपनी दिक्कत बताई, शी टोल्ड हर प्रॉब्लम। और ये कंप्लीट हुआ। आइए फ्रेंड्स, इस कहानी के कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। साधु उसे सुना, साधु द मॉन्क। अब हम पीछे से एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हुए आगे की ओर चलेंगे। सुना, हर्ड। आगे लिखा है और, हम लिखेंगे एंड। वह सब कुछ समझ गया, वह यानी ही। समझ गया, अंडरस्टूड। समझना की अंग्रेजी अंडरस्टैंड होती है, लेकिन जब बात गुजर जाए तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड होता है। वह सब कुछ समझ गया, ही अंडरस्टूड एवरीथिंग। साधु उससे कहा, द मॉन्क कहा, टोल्ड उसे हर। फ्रेंड्स, कई बार स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कहा के लिए कभी सेड और कभी टोल्ड का यूज करते हैं। कैसे पता चलेगा कि कब हमें सेड का यूज करना है और कब हमें टोल्ड का यूज करना है? बहुत आसान है फ्रेंड्स, वर्ड कहा के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो आप कहा के लिए टोल्ड का यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हिंदी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसे, और जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है हर, तो जब हमें वर्ड कहा के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखना हो तो कहा के लिए टोल्ड का यूज करते हैं। लेकिन जब वर्ड कहा के बाद कोई ऑब्जेक्ट न आए तो हम कहा के लिए सेड का यूज करते हैं। मैंने कहा एक्सरसाइज करना अच्छी आदत है, उन लोगों ने कहा झूठ बोलना गलत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कहा, उन लोगों ने कहा,
आपने कहा यह कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप कहेंगे ही सेड, आई सेड, दे सेड। बट अगर मैं कहूं मैंने आपसे कहा, मैंने उससे कहा, उन लोगों ने मुझसे कहा, तो यह ऑब्जेक्ट आया हुआ है उनसे, मुझसे, तुमसे, तो आप यहाँ पर टोल्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कि हम लिखेंगे दैट। एक खतरनाक शेर पास के जंगल में रहता है। सबसे पहले हम लिखेंगे एक खतरनाक शेर। आप सोचेंगे इतना लंबा क्यों, यानी एक खतरनाक शेर, इन तीन वर्ड्स को जोड़कर लिखना है। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियोस देखने पड़ेंगे जहां मैंने ट्रिक्स बताया हुआ है। एक खतरनाक शेर, अ डेंजरस लायन। आइए फ्रेंड्स अब पीछे से एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हुए आगे की ओर चलते हैं। रहता है लीव्स, और पास के जंगल को कहते हैं नियर बाई फॉरेस्ट। एक खतरनाक शेर पास के जंगल में रहता है। अ डेंजरस लायन लिव्स इन नियर बाई फॉरेस्ट। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। तुम उसके गले का बाल लाओ, तुम, यू। आइए पीछे से ट्रांसलेशन करते हुए आगे की ओर आए। लाओ यानी ब्रिंग, बाल द हेयर। का के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं और काकी के लिए हम अपोस्ट्रॉफी एस का भी यूज करते हैं, जैसे भारत का पानी द वॉटर ऑफ इंडिया, बच्चों की मांग द डिमांड ऑफ चिल्ड्रेन, आप ये भी कह सकते हैं चिल्ड्रेन्स डिमांड। और आगे लिखा है उसके गले, आप लिखेंगे हिज नेक। तुम उसके गले की बाल लाओ, यू ब्रिंग द हेयर ऑफ हिज नेक। आइए फ्रेंड्स अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं उस बाल से एक ताबीज बनाऊंगा। सबसे पहले लिखा है मैं, हम लिखेंगे आई। पीछे आइए, लास्ट में लिखा है गा, हम लिखेंगे उड। आप सोचेंगे उड क्यों, तो मैं कहूंगा यह स्टोरी पास्ट में है, इसीलिए यहाँ विल का पास्ट फॉर्म उड का यूज किया जाएगा। बनाना यानी मेक, और एक ताबीज को कहते हैं एन एमुलेट। वर्ड से के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम, और उस बाल को कहते हैं दैट हेयर। मैं उस बाल से एक ताबीज बनाऊंगा, आई वुड मेक एन एमुलेट फ्रॉम दैट हेयर। आइए फ्रेंड्स अब इसे ट्रांसलेट करें। फिर देन, तुम्हारा पति तुम्हारी बात मानेगा। तुम्हारा पति योर हस्बैंड, गा यानी उड का यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स बात मानने के लिए ओबे का भी यूज किया जाता है, और तुम्हारी का अंग्रेजी Then your husband would obey you. कई बार आप में से कुछ स्टूडेंट सोचते हैं वर्ड तुम्हारी के लिए योर का यूज किया जाता, फिर मैंने यहाँ पर यू क्यों लिखा। तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स जब वर्ड तुम्हारा तुम्हारी, हमारा हमारी, उसका उसकी की बात कोई नाउन आता है, तो ये सभी वर्ड्स उस नाउन से एक रिलेशन दिखाते हैं, तो इस कंडीशन में तुम्हारा का अंग्रेजी योर होता है, मेरा क्या अंग्रेजी माई होता है। बट अगर कहीं तुम्हारा लिखा हो और उसके बाद कोई नाउन ना हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है तुम्हारी लेकिन यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, तो फिर यहाँ तुम्हारा के लिए योर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि माई, योर, आवर, हीज, हर और देयर ये सभी पोजेसिव एडजेक्टिव हैं और ये किसी नाउन के पहले यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन में, तब तक के लिए बाय।